हेलो बच्चों, आज जो हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जिस टॉपिक का यूज पूरे के पूरे फिजिक्स में होगा। हालांकि ये भी एक बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है, बट इसका इम्पॉर्टेंट इतना ज़्यादा है जिसके वजह से इसको एज अ चैप्टर हम कंसीडर करना चाहेंगे, ठीक है। हालांकि जब मैं क्लासरूम प्रोग्राम में पढ़ाता हूँ तो वहाँ पर इसको मैं चैप्टर जीरो नाम देता हूँ, बट फॉर ऑनलाइन ये चैप्टर वन के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। जिसमें हमने टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ उसका नाम है वेक्टर। क्या नाम है? वेक्टर, ठीक है। अब देखिए, वेक्टर क्या होता है, इसकी यूज कैसे है, इसका क्या अरिथमेटिक जो हम लोग वो करते हैं इसमें, मतलब कैलकुलेशन करते हैं, सारा चर्चा करेंगे, ठीक है। तो वेक्टर जानने से पहले एक चीज जानिए जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? क्वांटिटी। अब क्वांटिटी क्या होता है? हाँ, जैसे हर तरह का क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी, राइट। तो बेसिकली क्वांटिटी क्या होता है? देखिए, क्वांटिटी को डिफाइन किया जाता है एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, जिसको मेजर किया जा सकता है, दोस्त, जिसको मापा जा सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे मैं बोलता हूँ कि एक मूवी का डायलॉग है ना, हम तुमसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, क्या पता है कितना प्यार करते हैं। ऑब्वियस ही बात है, आप प्यार को कैलकुलेट नहीं कर सकते हो दोस्त, ना उसको आप मेजर कर सकते हो, राइट। तो जैसे वहां तुमको बहुत गुस्सा है, अरे भाई कितना गुस्सा हो उसका अमाउंट नहीं पता कर सकते हो आप। बहुत गुस्सा का मतलब क्या गुस्सा है? हम बहुत चाहते हैं तुमको ये, बट आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। कौन कितना चाहता है, कौन कितना नफरत करता है, ठीक है, ये सब कैलकुलेटिव नहीं है, ठीक है। जो चीज कैलकुलेट की जा सकती है, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज नोन एज व्हाट? क्वांटिटी, राइट। एंड दैट क्वांटिटी इज फर्दर बाय फॉरगेटेड इनटू थ्री डिफरेंट पार्ट्स, राइट, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी एंड अ टेंसर क्वांटिटी। बट सबसे पहले हम चर्चा करेंगे स्केलर क्वांटिटी की। किसकी चर्चा करेंगे? स्केलर क्वांटिटी की। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो मैंने एक डेफिनेशन लिख रखा है पहले से, ठीक है। अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड ओनली इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल इसका देख लीजिए, स्पीड, डिस्टेंस, मास, प्रेशर, इलेक्ट्रिक करंट, सरफेस टेंशन, वर्क एनर्जी, पावर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे हैं जिसका सिर्फ और सिर्फ हम अमाउंट मेजर कर सकते हैं। क्या मेजर कर सकते हैं? अमाउंट, दैट इज नोन एज व्हाट? स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, अगर मेरे लैंग्वेज में समझेंगे, सिंपल लैंग्वेज में, तो जिस क्वेश्चन में आपको किस क्वेश्चन का जवाब मिले, कितना, कितने आदमी थे रे कालिया, उसमें कितना, दो सरदार या तीन सरदार जो भी थे, ठीक है। तो जो कितना जिस क्वेश्चन में आपको आंसर मिल रहा है, दैट आंसर इज नथिंग बट स्केलर, ठीक है। अगर इसको इंग्लिश में थोड़ा सा स्टार मार के बोला जाए तो क्या बोलेंगे? हाउ मच, कितना आपको जवाब मिल जाए, कितना, क्वांटिटी, दैट इज नोन एज व्हाट? स्केलर, ठीक है। जैसे आप दुकान पे जाते हो, भैया -10 kg चावल देना, एक थप मार के भेजेगा, राइट। चावल का निगेटिव तो नहीं हो सकता, बस मास हो गया, लेंथ हो गया, सब सारे के सारे क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, राइट। जैसे, और इसका मेजर करने का भी एक तरीका है, जैसे सपोज करो कि तुमसे पूछा कि बताओ तुम्हारा हाइट कितना है, तो आप अपना हाइट को एमएम में नहीं बताओगे कि नहीं मेरा 1000 mm हाइट है, ये ऐसा कोई नहीं बात करता। बात किस में करते हैं हम लोग? हर चीज के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी का, हर क्वांटिटी का एक अपना अपना यूनिट होता है, जैसे स्पीड को मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं, डिस्टेंस को, बट इसमें कहीं भी डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है, राइट। अब सपोज कीजिए कि मैंने आपको बोला, ठीक है, कि आखिर वेक्टर पढ़ने का यूज क्यों आया। सपोज कीजिए कि मैंने आपको बोला, आपने सर मेरे से पूछा कि सर से यहाँ से मेरे को जाना है, गांधी चौक जाना है, राइट, गांधी चौक। तो मैंने बोला कि बस बेटा यहाँ से 2 किलोमीटर जाओगे तुम गांधी चौक पहुँच जाओगे, तो क्या आप गांधी चौक पहुँच जाओगे? नहीं, आपको गांधी चौक पहुँचने के लिए एक पर्टिकुलर वेल डिफाइंड डायरेक्शन भी आपको बताना पड़ेगा। सपोज करो कि मैंने आपको गांधी चौक जाने के लिए बोला, आप गांधी चौक ना जाके अलग डायरेक्शन में चले गए 2 किलोमीटर, तो आप हो सकता है एयरपोर्ट पहुंच जाए, अलग डायरेक्शन में चले गए, हो सकता है रेलवे स्टेशन पहुंच जाए। तो डायरेक्शन मेंशन करना जरूरी है। अगर मान लीजिए कि मैंने आपको बोला कि एक बहुत बड़े पेड़ से 100 मीटर के दूरी पे, बहुत बड़े पेड़ के 100 मीटर के दूरी पे खजाना है, और मैंने आपको ये नहीं बताया कि खजाना किस डायरेक्शन में, तो आप क्या करोगे? इसको 100 मीटर नीचे डिग करोगे, तो हो सकता है
सकता है वहां पे ना मिले ना। 100 मीटर लेफ्ट में करोगे, 100 मीटर राइट में करोगे, 100 मीटर इस साइड में करोगे, हर जगह 100 मीटर की नहीं मिला, हो सकता है डायगोनली हुआ हो। तो जब तक चीजें डायरेक्शन के साथ वेल डिफाइंड नहीं है तब तक आप नहीं बता सकते हो हाँ, या पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आप नहीं दे सकते हो ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर चीज को फाइंड आउट करने के लिए। तो एक बात दिमाग में आई कि साइंटिस्टों को दो चीज का जरूरत पड़ा, एक तो डायरेक्शन और दूसरा क्या, मैग्नीट्यूड। अगर ये दोनों चीजें नहीं होती, अगर ये दोनों चीजें नहीं होती तो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट नहीं कर सकते थे या हमारा बहुत सारा काम नहीं हो पाता राइट। तो इस चीज के लिए अपने को वेक्टर क्वांटिटी बताया गया, और वेक्टर क्वांटिटी क्या बोलता है, इसका डेफिनेशन क्या है, अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड मस्ट ओबे वेक्टर एडिशन एंड मस्ट ओबे वेक्टर एडिशन। मतलब वो वेक्टर एडिशन को ओबे करना ही चाहिए राइट। अगर वो वेक्टर एडिशन ओबे नहीं करता है तो वो मीनिंगलेस है ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे ऐसे क्वांटिटी होते हैं जिसके पास स्केलर और वेक्टर, सॉरी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है फिर भी वो वेक्टर नहीं होते हैं हाँ। जैसे इसके एग्जांपल रख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, फोर्स, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम, इंपल्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने यहाँ पे और मैग्नेटिक फील्ड, सारे के सारे हैं ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बेटा, इस वाले में आपको क्या जवाब मिलेगा, तो इस वाले में आपको दो क्वेश्चन का जवाब मिलता है। एक मिलता है किसका, कितना और प्लस वॉट किधर ठीक है। अगर आपको कितना और किधर हाँ का दो क्वेश्चन का अगर आपको जवाब मिलता है तो आप उसको क्या बोलोगे, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे अंकित जो है, मैं खुद स्वयं अंकित, अंकित जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मंदिर की तरफ जा रहा था, तो इसमें क्या हो गया, दो क्वेश्चन का आंसर मिला राइट। एक क्या मिला कि अब अंकित जो बंदा है, पर्टिकुलर बंदा जो है अंकित, वो एक डायरेक्शन में जा रहा है, कितने से जा रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो जहां पे मैग्नीट्यूड हाँ कितने से जा रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर, और किधर जा रहा है, तो मंदिर की तरफ जा रहा है राइट। अगर वो डायरेक्शन अलग अलग चीजों में डिफाइन किया जाता है, जैसे कभी कभी आपको इस वाले में किया जाता है, जैसे ऊपर में आपको पता है धरती का स्वर्ग कश्मीर हाँ, नीचे में साउथ रजनीकांत राइट, इधर में अपनी कौन है मैरी कॉम, और इधर में अपना नरेंद्र मोदी, ये आपका वेस्ट हो गया ठीक है। तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपको पता है ना कि मैरी कॉम कहां से है, नॉर्थ ईस्ट हाँ, और नरेंद्र मोदी कहां है, गुजरात से। ये कहां पे बोलो, वेस्ट साइड में है। नॉर्थ में कौन है, धरती का स्वर्ग अपना कश्मीर, और साउथ में कौन रहता है, रजनीकांत कन्याकुमारी हाँ। तो ये आपको इस तरह से डायरेक्शन आपको मेंशन किया जाता है, और आप उस डायरेक्शन के मदद से भी चीजों को आप इंटरप्रेट कर सकते हो। अब एक बात आती है कि बहुत सारा बच्चों को मिसकंसेप्शन होता है स्केलर क्वांटिटी को लेकर, तो मैं उस सारे के सारे आपको मिसकंसेप्शन को यहाँ पे दूर करूंगा। जैसे यहाँ पे पहला मिसकंसेप्शन क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव, नको ऐसा नहीं है, स्केलर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव हो ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे कुछ कुछ स्केलर क्वांटिटी निगेटिव भी हो सकते हैं, जैसे चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क, मैं आपको बताऊंगा हर एक चीज के बारे में। जैसे चार्ज आपको पता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव और प्रोटॉन पॉजिटिव हाँ। इलेक्ट्रिक करंट, हमने पर्टिकुलर डायरेक्शन को सपोज करो पॉजिटिव माना था, तो अगर सपोज करो कि वो लेफ्ट से राइट जा रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, बट राइट से लेफ्ट जाएगा तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे, निगेटिव बोल देंगे राइट। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। सपोज कीजिए कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो अगर एक बंदा यहाँ से नीचे देखा तो उसको निगेटिव दिखाई देगा, एक बंदा ऊपर देखा तो उसको क्या दिखाई देगा, पॉजिटिव। बट एक बंदा जो नीचे जमीन पे है उसके लिए वो चीजें क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी ठीक है। अब बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी में है डायरेक्शन। अब एक बात समझिएगा, जिस क्वांटिटी का फिक्स डायरेक्शन होता है हम लोग बेसिकली इसको टेंसर बोलते हैं ठीक है, बट हम यहाँ पे टेंसर को स्केलर डिफाइन करेंगे ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रेशर, तो प्रेशर आपको पता है कि किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलर लगता है। अगर मैं इस सरफेस पे प्रेशर परपेंडिकुलर लगाऊंगा तब वो प्रेशर लगेगा, अदरवाइज वो प्रेशर नको नहीं लगेगा भाई हाँ, अब लगा ही नहीं सकते प्रेशर। आप ऐसे कर सकते हो क्या, प्रेशर आहा, नहीं ये प्रेशर नहीं बॉस, प्रेशर लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगाना पड़ेगा। सपोज करो कि आपने एक हैमर लिया हथौड़ा, और एक किल आपको दीवार में ठोकना है, तो आप इसको ऐसे मारते हो परपेंडिकुलर, ऐसे ऐसे टच नहीं कराते हो इसको, इसके पैरेलल नहीं कराते हो टच, आप उसके परपेंडिकुलर हिट करते हो, तो प्रेशर का डायरेक्शन फिक्स होने की वजह से ये स्केलर हो गया।
अगर इसका डायरेक्शन चेंज हो सकता था तो ये स्केलर नहीं होता। इलेक्ट्रिक करंट, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है। कभी ऐसा हुआ क्या कि नेगेटिव घर से आपका करंट बाहर जाने लगा? नहीं, बाहर से अंदर आता है, आपके घर से बाहर नहीं जाता है, क्योंकि आपके घर का जो वोल्टेज है वो पोटेंशियल जो कम है और बाहर का कितना रहता है 440 वोल्ट, राइट। अब देखिए स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ, जैसे हमने आपको क्या बोला था कि लेंथ जो होता है बेसिकली वो क्या होता है स्केलर क्वांटिटी, बट अगर स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ रहेगा डीएल छोटा सा, तो वो हम लोग क्या करेंगे उसको कि वेक्टर ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, स्मॉल जो एरिया होता है छोटा सा एरिया एकदम स्मॉल सा एरिया उसको हम लोग भी एज अ वेक्टर कंसिडर करते हैं। मैं आपको बताऊंगा, एक टर्म आता है ई डॉट डीएस, हाँ ये होता है अपना फाइव, फाइव क्या होता है आगे चल के आपको पता चल जाएगा, इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो छोटा सा एलिमेंट है जो डीएस छोटा सा जो एरिया कंसिडर करते हैं उसको हम लोग एज अ वेक्टर कंसिडर करते हैं, ठीक है। एक टर्म आता है एक मैग्नेटिक फील्ड जब पढ़ाया जाएगा तो आपको पढ़ाया जाता है मैग्नेटिक फील्ड बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। यहाँ पे लिखा रहता है डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर का क्यूब। तो अगर आप इस चीज को देखोगे तो ये भी आपको यहाँ पे जो डीएल कंसिडर किया गया है स्मॉल लेंथ, ठीक है, ये जो होता है आपको एज अ वेक्टर कंसिडर किया जाता है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे इन सारे चीजों को देखेंगे, एक बार इस चीज को प्लीज नोट डाउन कीजिए, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी नोट डाउन कीजिए उसमें मल्टीपल कलर का पेन यूज कीजिए, ठीक है, और एकदम फेयरली कीजिए। हम इसमें न्यूमेरिकल, इसमें थियोरी को प्रॉपरली जज करेंगे, ओके। नाउ हम लोग अब वेक्टर का बाइफर्गेशन देखेंगे। बेसिकली वेक्टर को बाइफर्गेट करने का मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करने का अलग अलग पार्ट्स में बहुत सारा तरीका है, बट उसमें एक तरीका होता है, एक होता है पोलर वेक्टर, एक होता है एक्सियल वेक्टर। अब देखिए पोलर वेक्टर क्या होता है, बोलता है अ वेक्टर व्हिच हैज ट्रांसलेशनल इफेक्ट दैट इज इट्स टेल लाई ऑन अ लाइन इज कॉल्ड पोलर वेक्टर, ठीक है। इसका एग्जांपल जो है आपका, ये तीनों इसका एग्जांपल है, ठीक है। एग्जांपल क्या क्या है, फोर्स वेलोसिटी और मोमेंटम। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि सर ये क्या होता है ट्रांसलेशनल क्या होता है। तो देखिए बेटा मान लीजिए कि एक सपोज कीजिए कि ये कार है, राइट, इसका ये हेड पार्ट है और इसका क्या है टेल पार्ट है, और ये आगे सपोज कीजिए कि ये मूव कर रहा है, तो ये अगर फिर से आगे आ गया, ये इसका बी पार्ट रहा, इसका ये क्या रहा ए पार्ट रहा, फिर आगे चला गया, फिर थोड़ा सा और आगे गया, इसका ये बी पार्ट रहा, इसका क्या रहा ए पार्ट रहा। तो देख रहे हैं कि इसका ए पार्ट और बी पार्ट का जो ओरिएंटेशन है वो हमेशा क्या है सेम, वो चेंज नहीं हो रहा है, तो हम लोग इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल इफेक्ट। हालांकि सर्कुलर मोशन भी ट्रांसलेशनल इफेक्ट हो सकता है, सपोज कीजिए कि ये पेन है तो ये पेन अगर ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, या ये ऐसे करके मूव कर रहा है बराबर है, ये हालांकि ये सर्कल में मूव कर रहा है बट ये अपना ओरिएंटेशन को आगे पीछे चेंज नहीं कर रहा है, ये क्या है फिक्स है। तो जब ये ऐसे रोटेट होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, आगे पीछे ऊपर नीचे किधर भी जा सकता है बिना अपने ओरिएंटेशन को चेंज किए, तो ये कहलाता है ट्रांसलेशनल। और एक होता है एक्सियल वेक्टर। अब एक्सियल वेक्टर क्या बोलता है, बोलता है वेक्टर व्हिच हैज अ रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्ट अलोंग अ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। अब इसके एग्जांपल क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो पोलर वेक्टर होता है, ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर हेड और टेल होता है, उसका क्या होता है पर्टिकुलर हेड और टेल होता है, ये हेड है और ये क्या है तुम्हारा टेल। लेकिन जो एक्सियल वेक्टर होता है ये प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, जैसे सपोज कीजिए कि ये एक वेक्टर है, ठीक है, और एक दूसरा वेक्टर ये है और इस पे एक परपेंडिकुलर, समझिए ये इसका एक परपेंडिकुलर हो गया, मैंने बोला कि ये एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है बी, तो इसका ना राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन मिलता है। सपोज कीजिए कि हमने किया ए क्रॉस बी, तो ये ऊपर चला जाएगा इस प्लेन के क्या रहेगा परपेंडिकुलर, इसका जो भी डायरेक्शन रहेगा इस प्लेन के क्या रहेगा इसका इस प्लेन का रहेगा परपेंडिकुलर। तो जब भी परपेंडिकुलर इफेक्ट का बात करते हैं, राइट, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, जैसे जिस प्लेन पे वेक्टर है दो वेक्टर उसका रिजल्टेंट कहां आ रहा है उस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको एक्सियल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। हालांकि इसका डिटेल में जो हम चर्चा करेंगे तो भविष्य काल में करने वाले हैं, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है, आपको एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा कि चीजें क्या हो रही है कैसे वर्क कर रही है, ओके। नाउ
अब एक बात बताइए, सपोज कीजिए कि आप हो, तो आपको रिप्रेजेंट करना है मेरे को, राइट? तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक तरीका होगा, ठीक है? एक आज से सपोज करो कि मैं आदमी हूँ, मतलब मैं मैन हूँ, राइट? कोई फीमेल होगा, ठीक है, वुमेन होगी, तो उसका एक अलग अलग आइडेंटिटीज है, आप उसको देख कर आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन मेल है कौन फीमेल है, राइट? सपोज कीजिए आपको गधे और घोड़े में फर्क समझ में आता है कि कौन गधा है कौन घोड़ा है, हा? आपको सांप और छिपकली में फर्क समझ में आता है कि वो ये पर्टिकुलर जो प्राणी है वो सांप है, ये बिच्छू है या छिपकली है, एंड ऑल दैट, गिरगिट है, राइट? आपको बच्चे और बूढ़े में फर्क समझ में आता है, तो ये सब जो चीजें हैं आप देख के पहचान लेते हो, राइट? तो वैसे ही वेक्टर को आप भी देख के पहचान लोगे कि कौन सा वेक्टर है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या बता रहा है, एंड एवरीथिंग, राइट? तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है? कि ये वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है? तो देखिए, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक लाइन खींचते हैं जिसमें एक देते हैं हेड और इसको क्या बोलते हैं, टेल। तो इसको बेसिकली क्या बोला गया, बोलिए? इसको बोला गया हेड और इसको क्या बोला गया, टेल, राइट? तो इसको हेड बोला गया, इसको क्या बोला गया, टेल। अब ये जो पीछे की पार्ट है, ये जो पीछे की पार्ट है और ये जो आगे की पार्ट है, तो इसकी जो टोटल लेंथ हो गई, क्या हो गई? लेंथ। तो लेंथ को ही बोला गया क्या, मैग्नीट्यूड बोला गया, क्या बोला गया, मैग्नीट्यूड, राइट? अब ये टेल हो गया, ये हेड हो गया, इसका क्या हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब एक बात यहां पे समझिएगा, मान लीजिए कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है ए वेक्टर, मान लीजिए मैंने इसको ए से डिनोट किया, तो आप इसको ए वेक्टर के लिए साइन, आप जो नोटेशन लिखोगे वो हमेशा ऐसा होता है, कभी भी ऐसा नहीं करोगे कि अगर ये मान लीजिए कोई ऐसे लिख दिया, कोई ऐसे करके लिख दिया, कोई ऐसे लिख दिया, तो ये सारा का सारा जो मेथड है वो लिखने का क्या है, गलत। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल ए वेक्टर। जनरली बुक में क्या रहता है कि कैपिटल बोल्ड में या उसको थोड़ा सा उसके मतलब जो फॉन्ट होता है वो बहुत ही स्ट्रांग कर दिया जाता है, तो वैसा हम जनरल लिखने के टर्म में चर्चा नहीं करते हैं, ठीक है? मान लीजिए कि एक वेक्टर ऐसे है, सपोज कीजिए कि एक वेक्टर ऐसे है, तो मैंने इसको बी वेक्टर बोलना है, तो बी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा ये ऊपर में हमेशा ऐसा ही होगा, यही एरो से रिप्रेजेंट होगा, ऐसा नहीं है कि इधर है तो हमने इस एरो को चेंज कर दिया, ये गलत हो जाएगा, राइट? एरो को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये आगे में ही हो, गॉट इट? तो ये आपको हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब चर्चा करते हैं कि दो वेक्टर के बीच में, अगर हम चर्चा करते हैं, एक चीज चर्चा करेंगे, इसको बोलते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर, इसको क्या बोलेंगे, एंगल बिटवीन वेक्टर। दो वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा, दो वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा उसको क्या बोलते हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर। मान लीजिए दोस्त कि आपके पास जो है वो एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर क्या है, बी, राइट? तो इसने जो एंगल थीटा फॉर्म किया, इसने जो एंगल क्या किया, थीटा फॉर्म किया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर। तो दो वेक्टर के बीच में एंगल हम लोग तभी मानेंगे जब उसका या तो हेड से हेड या तो टेल से टेल मिला होगा, मतलब हेड से हेड मिला और टेल से टेल मिला। मान लीजिए अगर आपको एक वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, ऐसे ड्र ड्र, और ये एंगल दिया हुआ है थीटा, और ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है, बी, तो इन दोनों के बीच में भी जो एंगल कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, थीटा ही कहलाएगा, राइट? अच्छा एक बात और, सपोज कीजिए कि मैंने एक ऐसे दिया, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर क्या है, बी है, और ये एंगल आपको दिया हुआ है 120 डिग्री। तो अब आपसे पूछा गया कि बताओ इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो मैक्सिमम लोगों का आंसर 120 डिग्री होगा, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सर दोनों वेक्टर के बीच में एंगल तभी डिफाइन है जब टेल से टेल मिले या हेड से हेड मिले। अगर ये दोनों टेल से टेल या हेड से हेड नहीं मिले हैं तो आप उस वेक्टर के डायरेक्शन को कंसीडर या एंगल को कंसीडर नहीं कर सकते हो। तो आपको करना क्या होता है दोस्त, कि आप वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, ये वेक्टर का प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है वेक्टर का प्रॉपर्टी, कि आप इसको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो कहीं भी, ठीक है, ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी कर सकते हो, ठीक है, बट बिना डायरेक्शन चेंज किए। जैसे सपोज कीजिए कि मैंने एक वेक्टर बोला बी, अब ये बी आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इस साइड भी जा सकता है, कहीं भी, बट ये स्पेस में कहीं भी जा सकता है, बट इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, राइट?
तो हमने यहां पे क्या करना है कि एक वेक्टर ए एज इट इज है, ठीक है, ये ए वेक्टर एज इट इज है, और बी को यहां पे ऐसे शिफ्ट कर दीजिए, टेल से टेल मिला दीजिए। तो जब ये एंगल देखोगे तो कितना हो जाएगा, लीनियर पेयर से 60 डिग्री। तो अगर देखा जाए तो ए और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो क्या कहलाएगा, 60 डिग्री, कभी भी, राइट। मैंने आपको एक क्वेश्चन देना है यहाँ पे, ठीक है, और आपको बताना है कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर, तो कैसे कीजिएगा, देखिए ध्यान से बेटा सबको, ठीक है। मैंने क्वेश्चन दिया आपको, सपोज कीजिए कि क्वेश्चन क्या दिया कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा बेटा, ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया आपको ऐसा, मान लीजिए कि दो एक्सिस है, ठीक है, तो एक वेक्टर ऐसे दिया गया है, ये 5, ये सपोज कीजिए कि मैंने अभी ए लिख देना है, ठीक है, ये बी लिख देना है, ठीक है, ये सी लिख देना है, ठीक है, और ये डी लिख देना है, ऐसा वेक्टर दिया हुआ है, ठीक, और मैंने ये बोल देना है कि ये कितना है 30 डिग्री, ये कितना है 45 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री, ठीक है, और ये कितना है 30 डिग्री, ठीक है। अब आपसे पूछा कि बताओ एंगल ए और बी के बीच में, बताओ सॉल्यूशन कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन पूछा गया, मैं सॉल्यूशन साथ साथ करते चले जाऊंगा, ठीक है। पूछा कि फाइंड एंगल बिटवीन क्या ए एंड बी, अब ए और बी के बीच में एंगल देखिए तो कितना होगा, तो आपको पता है दोस्त कि ये 30 है तो ये ऑब्वियस सी बात है कितनी होगी 60, और ये कितना है 45 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा बोलिए 45 डिग्री, तो 60 प्लस 45 करोगे तो कितना आ जाएगा 105, 105 डिग्री। तो ए और बी के बीच में जो एंगल है वो कितना है बोलिए 105 डिग्री, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि बताओ एंगल बिटवीन, ठीक है, एंगल बिटवीन पूछा गया बी एंड डी वेक्टर। अब देखो तो आप देख रहे हो कि यहां पे बी वेक्टर का जो टेल है और डी वेक्टर का जो हेड है दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ये तो हम लोग फॉर्म कर नहीं सकते हैं, तो हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए कि इसी वेक्टर को ऊपर ऐसे करके ड्रॉ कर देते हैं। आपको पता है कि इसको पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है, और ये बेसिकली कौन सा वेक्टर है, डी वेक्टर ही है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो ये 30 डिग्री था तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी कितना हो जाता 30 डिग्री, और ये पूरा का पूरा 45 था तो ये एंगल कितना हो जाता 15 डिग्री, राइट। तो अगर देखा जाए तो बी एंड डी के बीच का जो एंगल है वो कितना है 15 डिग्री, राइट। अब आपसे क्वेश्चन में अराइज करके छोड़ देता हूँ, वो आप कीजिएगा, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ कि फाइंड द एंगल बिटवीन, आपको एंगल निकालना है किसके किसके बीच में बेटा बोलिए, तो सी एंड ए के बीच में, ठीक है, और एंगल आपको निकालना है डी और डी एंड ए के बीच में। आप ये दोनों एंगल आप खुद निकाल के देखिए, ठीक है, मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, स्क्रीन पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। आया आंसर, चलिए मैच कीजिए, तो मैच कीजिएगा तो यहां पे देखिएगा दोस्त सी और ए की बात किया मैंने, ये सी है ये क्या है ए, तो देखिए यहां पे ये 30 और ये 60, तो 30-60 कितना हो गया 90, और ये वाला पूरा का पूरा कितना 90, तो सी और ए के बीच में जो एंगल आया वो आया 180 डिग्री, राइट। अब बात करते हैं डी एंड ए के बीच में, तो ये डी है ये ए है, तो ये 30 और ये कितना 60, तो ये दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो ऐसे करके आप एंगल बिटवीन जो वेक्टर्स है आप वो इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। अब हम जो चर्चा करेंगे, ठीक है, कि टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होता है एंड ऑल दैट, ओके। अब हम लोग चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में। देखिए आपको पता है कि दुनिया में जितने भी चीजें मौजूद हैं सबका एक अपना टाइप्स होता है, जैसे इंसानों में भी टाइप्स है, ठीक है, कोई लंबा है कोई छोटा है, हाँ, कोई गोरा है कोई काला है, हाँ, और कोई फुटबॉलर है कोई टीचर है, राइट। तो एवरी देर इज अ लॉट ऑफ टाइप्स, एक ही इंसान में ही कितना सारा टाइप्स है, हाँ, कोई अगर इंसान की बात करें तो कोई मेल है कोई फीमेल है, तो सबका एक अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिसकी वजह से उनको डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो ठीक उसी तरह उसी कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करते हुए हमारे पास कुछ कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर है जिसको हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। जैसे पहला बात होता है जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। मैं आपको बता दूं कि जीरो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, क्या होता है
मैग्नीट्यूड वो जीरो के बराबर होता है। तो अगर सपोज कीजिए कि एक डॉट है, ये क्या हो गया, जीरो वेक्टर हो गया, तो आप बोलोगे कि सर इसका डायरेक्शन किधर होगा। तो डायरेक्शन के बारे में ये बोला जाता है कि डायरेक्शन विल बी आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी मतलब रैंडम डायरेक्शन, कुछ भी हो सकता है। ये कहाँ आता है तो देखिए, अगर हम आगे चल के एक बार पढ़ेंगे तो एक चीज हम लोग को पढ़ाया जाता है ए क्रॉस बी, और ये क्या होता है ए बी साइन थीटा। अगर थीटा सपोज कीजिए कि जीरो डिग्री रहा, थीटा क्या रहा जीरो डिग्री, और 180 डिग्री रहा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाता है जीरो। हालांकि ए क्रॉस बी से जो अपने को रिजल्टेंट मिलता है वो भी क्या मिलना चाहिए, वेक्टर ही मिलना चाहिए, बट यहाँ तो उस वेक्टर का डायरेक्शन डिफाइन नहीं हो पाता, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं जीरो वेक्टर बोलते हैं। एक आता है इक्वल वेक्टर, तो इक्वल वेक्टर में बोलता है क्या कि मैग्नीट्यूड, क्या मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर दोनों सेम है, बोलता है कि अ वेक्टर इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर व्हेन इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन विल बी सेम, देन इट इज नोन एज व्हाट, इक्वल वेक्टर। अब देखिए सपोज कीजिए कि एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, इसका भी 4 यूनिट मैग्नीट्यूड है, इसका भी 4 यूनिट मैग्नीट्यूड है, ये भी इसकी तरफ है, ये भी इसकी तरफ है, तो ये क्या कहलाएगा, इक्वल वेक्टर कहलाएगा। मान लीजिए कि मैंने इस पेन को बोल दिया कि ये इस वेक्टर से इक्वल ये दूसरा वाला पेन है, तो अगर मैं इसको आगे भी लेके जाऊं, ऊपर भी लेके जाऊं, पीछे भी लेके जाऊं, इस साइड भी लेके जाऊं, कहीं भी लेके जाऊं, वो वेक्टर में चेंज नहीं आएगा क्योंकि मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं की है। अगर मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी तो वो इक्वल वेक्टर नहीं रह पाएगा। तो याद रखिएगा, दो वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो तो वो हमेशा इक्वल रहेगी, ये ऊपर नीचे भी हो जाए, आगे पीछे भी हो जाए, कहीं भी चले जाए, पर इसका डायरेक्शन अगर मैंने ऐसे किया तो ये गलत हो गया। अब ये दोनों अगर सेम रहा तो ये आगे भी लेके जाओ, पीछे भी लेके जाओ, ऊपर भी लेके जाओ, नीचे भी लेके जाओ, और किधर भी रोटेट करोगे ना दोस्त, तो उसका क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहेगा, तो क्या कर लेगा, इक्वल वेक्टर। अब एक होता है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है कि मान लीजिए मेरे दोस्त कि अगर एक वेक्टर सपोज कीजिए कि ऐसा है, राइट, और हमने इसको क्या बोला ए, हमने इसको बोला कि ये ए वेक्टर है। अब इस वेक्टर में अगर नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर दिए तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा बोलो, सेम मैग्नीट्यूड रहेगा सेम, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, राइट। तो ये हमेशा यूज होगा, ठीक है, कि नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, इसका यूज आते रहेगा आपको जब हम एडिशन देखेंगे, तो देखेंगे ए प्लस बी निकालिए, ए माइनस बी निकालिए, तो कैसे हम लोग बी का डायरेक्शन क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट कर देंगे। जैसे सपोज कीजिए कि एक वेक्टर ए है, राइट, और ये क्या है बी है। अगर हमने बोला कि माइनस बी, तो माइनस बी का मतलब क्या होगा कि डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा, माइनस बी ये हो जाएगा, राइट, और इसका डायरेक्शन जस्ट कितने से टर्न कर जाएगा, 180 डिग्री से ये टर्न कर जाएगा, ठीक है, जस्ट क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। अब एक बात होती है कि कोलिनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर, तो देखिए बेटा कोलिनियर वेक्टर का मतलब होता है क्या कि दो वेक्टर अगर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि एक वेक्टर ए है, राइट, अब दूसरा वेक्टर जो है, समझना, दूसरा वेक्टर जो है वो इसी पे ओवरलैप कर गया, और ये क्या है बी वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर जब एक दूसरे पे क्या कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। अब देखिए एक बात और, जैसे अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, क्या सेम है, डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन आपका सेम है तो इसको लाइक वेक्टर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लाइक वेक्टर। व्हाट, कि व्हेन टू वेक्टर मैग्नीट्यूड मे बी सेम और नॉट बी सेम, बट इफ डायरेक्शन विल बी सेम, सॉरी यहां मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, ये सेम होगा, इफ डायरेक्शन विल बी सेम देन इट इज नोन एज व्हाट, लाइक वेक्टर। बट इफ टू वेक्टर व्हेन दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव अ अपोजिट डायरेक्शन, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 180 डिग्री, देन इट इज नोन एज व्हाट, अनलाइक वेक्टर। इसको बोलते हैं हम लोग अनलाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर, ठीक है, ये इसको पैरेलल वेक्टर या एंटी पैरेलल भी बोलते हैं इसको, ठीक है, पैरेलल वेक्टर बोलते हैं, और भी क्या बोलते हैं इसको, एंटी पैरेलल। सर वहां पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, अनलाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर, बी सी टी ओ आर, ओके, अनलाइक वेक्टर, ठीक है, तो लाइक वेक्टर रहता है और क्या रहता है, अनलाइक वेक्टर। एक चीज और नोटिस कीजिएगा यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में एक रिलेशन होता है। सपोज कीजिए कि अगर ए वेक्टर अगर क्या है लैम्बडा बी वेक्टर के बराबर है, अगर ए वेक्टर है लैम्बडा बी वेक्टर के बराबर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि
ये दोनों वेक्टर जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल। अगर लैम्डा पॉजिटिव रहा, लैम्डा अगर पॉजिटिव रहा तो दोनों पैरेलल रहेगा, और लैम्डा अगर नेगेटिव रहा तो क्या रहेगा, एंटी पैरेलल रहेगा। एक बात और आप सोच रहे हो सर लैम्डा क्या है, तो लैम्डा कोई भी स्केलर हो सकता है। लैम्डा क्या हो सकता है, कोई भी स्केलर हो सकता है, ठीक है। इसके लिए कोई फिक्स नहीं है कि लैम्डा का वैल्यू 2, 3, 4, 2.5, 8.6, अल्लाह अल्लाह कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, राइट। अब बात करते हैं कोई इनिशियल वेक्टर की, तो नाम से ही पता चल रहा है कि जिस वेक्टर में दोस्त, जिस किसी वेक्टर में सेम जगह से ही, सेम पॉइंट से ही सारे के सारे वेक्टर ओरिजिनेट हो रहे हैं। समझ आ रहा है क्या, एक ही पॉइंट से अगर सारे वेक्टर ओरिजिनेट हो रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कोई इनिशियल वेक्टर। मतलब सबका इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम। जैसे सबका मालिक एक है तो वहां सबका इनिशियल पॉइंट एक है। वेक्टर का डायरेक्शन अलग है, मैग्नीट्यूड भी अलग हो सकता है, बट इनिशियल पॉइंट विल बी सेम, राइट। अब एक बात आता है कोप्लैनर वेक्टर, क्या आता है बात, कोप्लैनर वेक्टर। अब देखिए ये कोप्लैनर वेक्टर क्या होता है, अगर कोप्लैनर वेक्टर की बात करते हैं तो बात करते हैं कि अगर कोई तीन वेक्टर, क्या एनी थ्री वेक्टर विच इज इन सेम प्लेन, क्या रहेगा वो, अगर वो तीनों के तीनों वेक्टर सेम प्लेन में रहेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोप्लैनर वेक्टर। आपने सर थ्री क्यों बोला, क्योंकि मैं एक बात बता दूं बेटा, दुनिया का कोई भी दो वेक्टर हो हमेशा कोप्लैनर होगा। कुछ हो गए हैं, ये कैसे पॉसिबल है मास्टर, तू सोच देख। मान लीजिए ये वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है, तो देख तो ये इस प्लेन में है ना, तुम बोलेगा मास्टर अगर हमने ऐसा कर दिया तो इस प्लेन में है क्या, हाँ ये वेक्टर तो ऐसे, ये वेक्टर ऐसे है। तो देखो बेटा, आपको मैंने बताया था कि आप वेक्टर को पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, तो हमने यहाँ पे ऐसे करके लेके आ गया। अगर ये लेके आ गया तो फिर ये क्या हो गया, पैरेलल वेक्टर हो गया। आप बोलोगे कि सर ऐसे रहा तो ये पैरेलल वेक्टर हो गया, कोप्लैनर वेक्टर हो गया। अगर मैंने बोला कि ये दोनों ऐसे हैं तो इन दोनों को अगर एक प्लेन में ऐसे करके डायरेक्ट अटैच करो तो वो भी क्या हो जाएगा, कोप्लैनर वेक्टर हो जाएगा। याद रखिएगा ये एकदम ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनी टू वेक्टर विल बी ऑलवेज कोप्लैनर, वो हमेशा क्या रहेंगे, कोप्लैनर रहेंगे हमेशा कोप्लैनर रहेंगे कोई भी दो वेक्टर। अब एक नोट मैं आपको यहां पे करवाना चाहूंगा, वो नोट क्या है कि सपोज कीजिए कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। तो यहां पे हमने क्या किया कि एक वेक्टर कंसीडर किया ए, राइट। अगर क्या हो कि हमने इस वाले में जो एक्सिस था, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, उसी को चेंज कर दिया। मान लीजिए सपोज कीजिए कि हमने एक ऐसा वाई एक्सिस मान लिया, ये क्या मान लिया वाई एक्सिस, ये क्या मान लिया एक्स एक्सिस, तो क्या इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो आंसर होगा नो, कभी चेंज नहीं होगा। अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज कर देते हैं तो वेक्टर का ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना तो डायरेक्शन चेंज होगा, राइट। भले ही उसका कोऑर्डिनेट चेंज हो सकता है बट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन विल बी कॉन्स्टेंट। तो यहां पर नोट करके लिखिएगा कि इफ वी चेंज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर विल रिमेन कॉन्स्टेंट, इट डज नॉट चेंज, राइट। और अगर बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये नया वर्ड कहां से लेके आ गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो याद रखिएगा बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है ऑब्जर्वर, कि जिस फ्रेम में ऑब्जर्वर उस वेक्टर को ऑब्जर्व कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि अभी आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर समझ में आया होगा। हाँ, यहाँ पे मैंने एक चीज छोड़ रखा है, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, राइट। तो कुछ देर के बाद हम लोग आएंगे अगले लेक्चर में कि यूनिट वेक्टर क्या है, मतलब अगले से अगले लेक्चर में आ जाएंगे, ठीक है, कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसका यूज कैसे होता है, ठीक है, ओके, थैंक यू।